नमस्कार। जिसने नहीं बोला उसके लिए भी था। पीछे वाला नमस्कार। मैं पिछले 5.25 साल से इस कंपनी में लोगों को नमस्कार ही करवा रहा हूँ। और पवन सर बता रहे थे कि आज मुझे कितना पैसा आता है, वो सिर्फ नमस्कार करवाने की वजह से ही आ रहा है, काम वाम करने की वजह से नहीं आ रहा है। काम करने की वजह से अगर आ रहा होता तो पहले ही आ रहा होता। तो इस कंपनी में आने के बाद सिर्फ एक ही काम कर रहा हूँ, वो सिर्फ एक काम है, नमस्कार। पीछे वाला नमस्कार। जिसको ऊपर वाले ने जुबान दिया वो नमस्कार बोले, जो ना बोले उसकी काट ले। यही हो सकता है, करें क्या भैया। नमस्कार। बहुत बढ़िया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, इंसान वो होता है जो हमेशा जोश में रहता है, आया ना। इंसान कौन होता है जो हमेशा जोश में रहता है, जिसके पास में बैठ के भी आदमी को ऐसा लगता है यार मैं आज किसी जोशीले व्यक्ति से मिला था। आदमी को पास में बैठ के भी उसके रोए खड़े हो जाते हैं यार मैं आज किसी ऐसे व्यक्ति से मिला था, उससे मिलने के बाद मेरे अंदर एक जोश पैदा हो गया। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं इस धरती पे जो कि लिमिटेड होते हैं, और इस धरती पर अनलिमिटेड ऐसे लोग होते हैं जो सुस्त रहते हैं, जिनको शुद्ध देसी भाषा में बोला जाए ढीले आदमी, सुस्त, जिनमें कोई करंट नहीं होता है, जिनमें लाइट अगर बिजली के तार भी लगाया जाए ना तार खराब हो सकता है, लेकिन उस आदमी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुस्त महाराज, बिल्कुल ढीलम ढाल, उनकी मैडम उनसे परेशान कि सुस्त महाराज है ये ढीला भी मुझे मिला, उनके बच्चे परेशान, पापा कभी बोलता ही नहीं है, उनका पड़ोसी परेशान, हमारा पड़ोसी बताओ क्या ढीला आदमी है, मोहल्ला परेशान। तो मेरा ऐसा मानना है, आदमी की जेब में कुछ हो या ना हो, आदमी की बात में दम होना चाहिए, है ना। और आपने देखा होगा हमारे देश के पीएम साहब के पास कुछ है या नहीं, लेकिन उनकी बात में जरूर दम है या ना। तो दोस्तों एक बार मैं यही कहना चाहूंगा, अब तक आप लोग यहाँ तक जितने भी साथी आ रहे थे हमारे, आप सभी के लिए जोरदार तालियां बजवा रहे थे कि ताली बजाओ। और हमारे यहाँ साथी आके बोल रहे थे कि ताली नहीं बजा रहे हो आप लोग। देखो मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, ठीक है। मैं पिछले 5.25 साल से इस कंपनी में आप जैसे लोगों की परेशानी सही से समझ पा रहा हूँ। इस दुनिया में आदमी है ना, सांस भी मतलब के लिए लेता है कि सांस में इसलिए लोग जिंदा रह पाऊं। अच्छा, बिना सांस के अगर आदमी जिंदा रहे ना, तो मैं गारंटी देता हूं हिंदुस्तान लोग सांस लेना बंद कर देंगे, उनको पता पड़ जाए कि सांस लेने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या सांस लिया जाए, क्यों इन नसों को, आंतों को, ऊपर नीचे लीवर को हलाया जाए। तो यहां पर हम बोल रहे थे, साथी आ रहे थे हमारे, ताली बजाओ। भैया ये ताली बजाएं क्यों, ये बताओ, दाम कमा रहे हो तुम, ये ताली बजाने के लिए बुलाए हैं आप, बताओ ये जो आपने बुलाए हैं इतने साथी हमारे यहाँ पर आए हैं अपने काम को छोड़ के, संडे का दिन है, सर्दी पड़ रही है, घर पे होते चाय पकौड़े मारते, पिछले 7 दिन से मैडम के साथ ना बैठ पाए, मैडम के साथ बैठते गुप्तगू बात होती, ठीक है, कोई यंग लड़का होता और रजाई पड़े पड़े कहीं और बात कर रहा होता। यहाँ बुला रही है आप लोग और बोल रहे ताली बजाओ। क्यों बजाए ताली है? आप ये बताओ ताली बजाए क्यों, इनको कोई फायदा है ताली बजाने से क्या? कोई फायदा नहीं है इनको ताली बजाने से, और ये ताली बजाएंगे भी नहीं, क्योंकि इनके कोई फायदे की बात है ही नहीं। दाम कमा रहे हो आप, ताली बजाएंगे। अजब आप जोरदार बोल रहे हो, बार बार जोरदार बजाओ। तो कुछ साथी ऐसे हो जो उनका पड़ोसी उनको लेके आया होगा, उसको कौन ही मार रहा होगा, मतलब साले तू बाहर चला आज, तूने एक तो 500 रुपये तो लिया और यह ताली बजवाने के लिए और आया है। अच्छा, तो पहले ये तय करके बता, ताली बजवाने के लिए लाया है कुछ और भी काम है? बोला काम है कुछ, 2 घंटे हो गए बैठे बैठे, काम तो समझ में आ नहीं रहा, बार बार ताली बजाओ। ताली बजवाने के लिए बोला है। मेरा ऐसा मानना है पर्सनल लेवल पर, जो आदमी किसी की सफलता से खुश होकर खुश
होता है और तालियां बजाता है, ऊपर वाला उस व्यक्ति को लाख गुना खुशियां देता है। मेरा ऐसा मानना है, अगर हम किसी की बातों में खुश होते हैं, किसी की बातों को समझते हैं, किसी की खुशियों में शरीक होते हैं, तो ऊपर वाला हमें देखता है। ऊपर क्योंकि बोला जाता है ऊपर वाले की मर्जी से दुनिया चलती है, बिना मर्जी के तो पत्ता भी नहीं हिलता है, हाँ या ना। तो ये बात समझ लीजिए, आप लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आए हैं, आपको यहाँ पर जबरदस्ती बुलाया गया है। अब आप कैसे भी आए हैं, आ तो गए हैं, ये बात तो मान लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए कि आ तो गए। अब जब आ ही गए हैं और बैठ ही गए हैं, ये दोनों जो हाथ हैं इनको थोड़ा सा ठीक है, और जिसको ऊपर वाले दो हाथ दिए उनको जरूर हाथ खड़े होने चाहिए, और जिसको नहीं दिए उनको पैरालाइज हो जाना चाहिए आज ही। वो हाथ किस काम के, जो हाथ ताली नहीं बजा सकते, उन हाथों को ऊपर वाले तुमने दिए क्यों इनको, वो सोने वाला ठाकुर है काट ले, ठीक है। तो ऊपर वो उठा, और जब तक आपको कोई बात समझ में आएगी आप बीच बीच में तालियां बजाते रहेंगे, हाँ या ना। और पड़ोसी थोड़ा ध्यान से देखे, जो ताली ना बजाए उसके कान पे दे, ठीक है। अगर आपको पड़ोसी ना बजाए ना, बोले क्या जो ताली बजाइए, बजाने के लिए बोला था, जो जितनी ताली बजाएगा उसका दाम ज्यादा आता है, हमारे यहाँ पे ऐसा होता है। तो बजा सकते हैं क्या? हाँ हाँ, सभी कुछ और समझ जाओ जो मैं पहले बोल रहा था। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, पिछले 5.25 साल से मैं इस कंपनी में हूँ। पीछे आवाज आ रही है, सही है? सारे लोग बताइए पीछे आवाज आ रही है? थोड़ा भाई इसकी आवाज और खोल दो, बेस बढ़ा दो उसका, पूरा खोल दो उसका, मीटर काम दो आज। मैं सवा, हाँ अब सही है ना, मैं 5.25 साल से इस कंपनी में हूँ। 5.25 साल से अगर मैं बोलूं, हिंदुस्तान का ऐसा कोई शहर नहीं है, कोई शहर जहां पर मैंने जाके माइक ना पकड़ा हो, ऐसा कोई शहर नहीं है पिछले 5.25 साल में, कोई भी शहर, जितनी भी मेट्रो सिटी है या जितने भी बड़े बड़े शहर आते हैं, ऐसा कोई शहर नहीं है 5.25 साल में जहां पर मैं ना गया हूं। 5.25 साल में कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पर फूल माला ना मिली हूं। यहां पर लोग पगड़ी पहना रहे थे, 365 दिन में 350 दिन पहनता ही हूं, ठीक है। ये पगड़ी वगड़ी पहनाती है लोग, ये जब यहाँ पर गिफ्ट दे रहे थे राकेश सर, मुझे पकड़ा रहे थे ट्रॉफी, मैं अपने घर जब जाता हूँ तो मेरे फैमिली मेंबर बोलते हैं आपके एक बार फिर लिया है, अब इनको लगाए कहाँ, ठीक है। दीवारें कम पड़ रही हैं, तो पिछले 5.25 साल से ये गिफ्ट ले रहा हूँ, 5.25 साल से फूल मालाएं ले रहा हूँ, 5.25 साल से हिंदुस्तान के हर शहर में जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन मैं एक चीज महसूस कर रहा था जब मैं आप लोगों के बीच में आ रहा था, कि मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में गया, हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहर में मैं गया। अभी मैं लखनऊ से होके आ रहा हूँ, आज मेरी यहाँ पर मीटिंग है, कल भी मेरी रांची में मीटिंग है, परसों मेरी कानपुर में मीटिंग है, उसके बाद मेरी मथुरा में मीटिंग है, उसके बाद मेरी दिल्ली में मीटिंग है, उसके बाद फिर मेरी मेरठ में मीटिंग है, पूरा हिंदुस्तान में मेरा चलता रहता है। 365 दिन में मैं 300 दिन लगातार मीटिंग करता रहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ, हर जगह मुझे लोगों से बात करने का सौभाग्य मिलता है। 5.25 साल पहले मुझे बाइक, जब मैं माइक पकड़ता था ना, लोग बोलते हैं जी माइक पकड़ते हैं, जब लोग हाथ कांपते मेरे पैर कांपते थे नीचे, ठीक है, यहाँ से नीचे से कांपते थे, लोग बोलते हैं कि हमारे तो हाथ कांपते हैं माइक लेने, मेरे पैर कांपते थे 5.25 साल पहले की बात करूँ तो। यहाँ पर जब मैं अंदर एंट्री कर रहा था, तो जब मैं आप लोगों से मिल रहा था, आप लोगों का जोश, आप लोगों का उत्साह देखकर मैं एक ही बात बोल सकता हूँ दोस्त, आप बिलीव करिए, विदाउट मोटिवेशन मैं एक ही बात बोल सकता हूँ, मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में गया, लेकिन जैसी झारखंड और बिहार की टीम है पूरे हिंदुस्तान में मुझे कहीं नहीं मिली है, जैसे आप लोग हो ऐसे पूरे हिंदुस्तान में मुझे कहीं नहीं मिल पाए, कहीं भी नहीं मिले। मैं बहुत जगह गया हूँ दोस्त, हर जगह जाने का मौका मिलता है, ऊपर वाले ने ऐसी शक्ति ऐसा आशीर्वाद मुझे दिया है कि मैं लोगों से जाकर रूबरू होता हूँ। एक जगह की बात मैं बताऊँ तो, मैं एक जगह गया था, तो ऐसे ही बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था, उसमें लगभग 7,500 के आसपास लोग बैठे हुए थे, तो एक दादाजी बाहर खड़े हुए थे, तो जैसे ही मेरी एंट्री होने लगी तो वो बोलने लगे भैया वो जो चीफ गेस्ट आ रहा था वो आया नहीं आया अभी। मैंने कहा दादा कौन आने वाला था?
बोले कोई लड़का, वो एक आदमी आने वाला था, उसका नाम अनुज शर्मा है। मैंने कहा पता नहीं दादा, ढूंढो कहीं आ रहा होगा। और जब मैं अंदर स्टेज पे आ गया तो मैंने अपना नाम वगैरह बताया तो दादाजी बाद में मिले। बोले तो भाई तो बेटा, हम तो समझ रहे थे कोई आदमी इतना बड़ा होगा जिसके लिए इतनी भीड़ आई है, कोई आदमी होगा, ऐसा बच्चा तो हमने पहली बार ही देखा है जो इतना बड़ा कमा के आया है। तो मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी पहलवान है ना। अगर ऊपर वाला मेहरबान होता तो हम जैसे बच्चे, बताओ सही से देखो मेरे को, 50 किलो से ऊपर वजन नहीं है, ठीक है। लोग दवाई खाते हैं मोटे को पतला हो जाए, या 1 इंच आगे से नहीं और 1 इंच पीछे से नहीं, फिट है बिल्कुल, स्लिम ट्रिम। और हम जैसे लोगों के लिए लोग बताओ फूल लाते हैं, माला लाते हैं, लोग सेल्फी लेते हैं सर एक फोटो हो जाए। जब लोग फोटो लेते हैं मेरे साथ, मुझे बड़ी हंसी आती है, बताओ तुम किसके साथ फोटो ले रहे हो, जिसके 10वीं में सही से पास ना हो पाया, 12वीं में 37% नंबर, ग्रेजुएशन करने के भी गया नहीं कॉलेज, पापा ने दी फीस, बेटा फीस जमा कर देना, उनको हमने उड़ा दिया मूवी देखने में, गोलगप्पे खाने में, फीस कभी स्कूल में दी नहीं। प्रिंसिपल साहब ने बोला फीस नहीं आई, बोला अगले महीने आएगी। घर वालों ने बोला फीस दे दी, हाँ जी जमा कर दी। बाद में पता लगता था प्रिंसिपल साहब और पापा के आपस में टकरार होता था, फीस कहाँ गई, वो तो गई, कहाँ गई, जिनकी जिनकी गई है वो सब जानते हैं कहाँ कहाँ जाती है, समझ में आ रहा है। तो जीवन में हमने वो सारे कर्म कांड किए जो आपने किए हैं, मैं उन्हीं कर्म कांडों को करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है, ऊपर वाले ने मुझे आज की सांसें बख्शी हैं, ऊपर वाले ने आज मुझे एक बार सपने पूरे करने के लिए और इस दुनिया में कुछ लोगों के सपने पूरे कराने के लिए मुझे आज का दिन ऊपर वाले ने दिया है। तो मैं एक बार चाहता हूँ अब तक की सबसे जोरदार तालियां ऊपर वाले के लिए एक बार हो जाए। ऊपर वाला आपको शक्ति दे, आपकी भी ऊपर वाला सुने।